अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज मैं रिएक्ट करूँगी डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियो पर। ही इज़ अ वेरी बिग मुस्लिम स्कॉलर। ही इज़ नॉट देयर विद अस इन दिस वर्ल्ड टुडे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है कुछ टाइम पहले। बहुत अफसोस की बात है, पर उनकी प्रीचिंग्स, उनकी सारी बातें जो भी उन्होंने कही हैं स्पिरिचुअल, वो आज तक हमारे साथ चल रही है। रोज़ इनको लोग मिलियंस की तादाद में सुनते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने इन्हें सुना था कुछ 2 वीक पहले, और मैंने इनकी वीडियो पर रिएक्ट किया था इज़राइल और फ़लस्तीन के जंग को लेकर के, इनका जो प्रिडिक्शन था उस वीडियो पे। एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि इतना बड़ा प्रिडिक्शन, हाउ इज ही हैविंग दिस मच ऑफ नॉलेज। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस हिम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं आपको भी ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। पर उससे पहले, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर अपना बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार फीड स्क्रॉल कर लो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और फिर फॉलो पर क्लिक कर देना। टाइटल पढ़ने के बाद रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ओके? यूनिवर्स साइज क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स बाय कुरान एंड साइंस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय डॉक्टर इसरार अहमद। वाह, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम। असल में आज जो दुनिया में जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का तसव्वुर है, जो तकरीबन अब मुत्तफ़क़ अलैह, कुछ अरसे पहले तक जिसको हम कहते हैं न्यूटोनियन ईरा ऑफ फिजिक्स, न्यूटन का दौर, जो बाबाए फिजिक्स है, इसमें कोई शक नहीं, बाबाए तबीयात जो है वो न्यूटन है। अगरचे उसके बाद एक इनकलाब अजीम आइंस्टाइन के जरिए से आया, अभी आइंस्टाइन का दौर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, लेकिन यह कि बाबाए तबीयात न्यूटन, उस न्यूटोनियन फिजिक्स ने जो तस्वुरात पैदा किए थे, उसका जहन में यह नक्शा था कि यह कायनात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, मादा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, मादा खत्म हो ही नहीं सकता, वगैरह 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 वगैरह, बड़ी तफसील में नहीं जा सकती। आज हमें मालूम हो गया है, और इस पर इजमा है तकरीबन अब फिजिक्स का और काफी अरसे से, दिस यूनिवर्स हैज ए बिगिनिंग, और उसको नाम दिया गया बिग बैंग। कितने बिलियंस एंड बिलियंस एगो, इयर्स एगो, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बिग बैंग, बिग बैंग, और उससे कायनात का आगाज हुआ। और नंबर दो, इसका एक एंड भी है, इला अजलिन मुसम्मा जिसे कुरान कहता है, ये कायनात हमेशा के लिए नहीं है, इला अजलिन मुसम्मा, एक खास मुद्दत मुद्दत मुअय्यना तक ये रहेगी, उसके बाद खात्मा हो जाएगा इसका, ये हमेशा के नहीं। तो बिग बैंग से जो एक नजरिया शुरू हुआ कि शुरू में क्या था, जर्रात थे, बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे बहुत छोटे फोटॉन्स, उनमें हरारत इतनी थी, ट्रिलियंस डिग्री ऑफ फारेनहाइट या सेंटीग्रेड जो चाहे कहें, एंड दे वर रनिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये थी फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। फिर ये जर्रात जो हैं ये मिलजुल गए, इससे गैलेक्सीज वजूद में आई, गैलेक्सीज एक दूसरे से भाग रही हैं, आज भी माना जा रहा है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये कायनात अभी फैल रही है और गैलेक्सीज के दरमियान फासला बढ़ रहा है। और बड़ी प्यारी मिसाल दी जाती है कि अगर एक गुब्बारा हो, उस गुब्बारे के ऊपर आपने कोई डॉट लगा दिए, उस गुब्बारे को जितना फैलाएंगे फुलाएंगे तो वो डॉट्स भी एक दूसरे से बढ़ते चले जाएंगे, फासला उनका बढ़ता जाएगा, पहले गुब्बारा इतना था अब इतना हो गया, तो वो जो दो डॉट्स के दरमियान फासला इतना था वो इतना हो गया। तो थ्योरी ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इकबाल ने कहा है ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फयकून, अभी तो जैसे कि कुरान मजीद में आया भी है, हम अपने खल्क में हम वसत कर देते हैं जो जो जितना चाहते हैं, बनजीद फिल खल्क मानशा, ये तखलीक जो है अभी जारी है। बहरहाल उसके बाद वो दौर आया कि फिर ये गैलेक्सीज के अंदर ये कुर्रे बने और स्टार्स बने,
और फिर वो कुर्रे ठंडे होने शुरू हुए। उन्हीं में से एक कुर्रा हमारा ये जमीन है, ये आग का कुर्रा था, आग का जैसे सूरज है लेकिन ठंडा हुआ, आग का कुर्रा था, ठंडे होने से ये सुकड़ा। तो इस पर ऊंचाइयां और निचाइयां पैदा हुई। इसमें से जो बुखारात निकले उन्होंने जाके एटमॉस्फेयर की शक्ल इख्तियार की। उस एटमॉस्फेयर के अंदर फिर गैसेस के बाहमी इंटरेक्शन से पानी पैदा हुआ और हजार हा बरस तक पानी बरसता रहा, पानी बरसता रहा, पानी बरसता रहा, जिससे समंदर वजूद में आया। और वो जो जमीन ठंडी हुई तो ऊपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ जो आया है वो और पानी, इसके इम्तिजाज से इस कुरे अर्जी पर हयात का आगाज हुआ। और उस हयात की लखों का साल के अंदर इर्तकाई मराहिल से गुजर कर आखिरी नतीजा जो है वो आज के नजरिए के मुताबिक वो होमो सेपियंस इंसान है। ये मैंने आज का नजरिया तखलीक आपके सामने रख दिया। इसमें से पहले हिस्सों के बारे में तो अब इख्तलाफ नहीं है, अलबत्ता ये कि एवोल्यूशन के बारे में जाहिर बात है इख्तलाफात अभी हैं, लेकिन ये कि ये नज़रिया है अगरचे बायोलॉजी के मैदान में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है उसे कबूल नहीं किया गया, लेकिन ये है कि वैसे उसको तस्लीम किया जाता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। इंसान की सोच में, सोशल साइंसेस में, हर चीज़ के अंदर जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन घुस चुकी है। अब जो बात इसमें नहीं आई है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दिस बिग बैंग वॉज द बिगिनिंग ऑफ द मटीरियल यूनिवर्स। इससे पहला एक दौर है जिसे साइंस ना देख सकती है ना जान सकती है, वो क्या है ना उस तक उसकी पहुंच। उससे पहले भी एक हर्फ कुन आया था, जैसे एक हर्फ कुन से बिग बैंग हुआ है। ठीक है, बिग बैंग किस चीज में हुआ है वो अभी मैं बताता हूं। अल्लाह ताला के पहले अव्वलीन हर्फ कुन से एक बहुत लतीफ नूर पैदा। ये लतीफ नूर क्यों कह रहा हूं, इसमें हरारत नहीं थी, हरकत भी नहीं थी, लतीफ। इस स्टेज पर उस लतीफ नूर से इंसानी अरवाह पैदा की गई और फरिश्ते पैदा किए। ये प्री बिग बैंग मामला है, अरवाह है इंसानियां, मटेरियल नहीं है, उनका ताल्लुक इस यूनिवर्स मटेरियल यूनिवर्स से नहीं है। यह तो बिग बैंग से पहले की बात है, फरिश्ते और अरवाह इंसान, जसद नहीं था, सिर्फ रूहें थी, लेकिन हर एक की रूह थी। आदम से लेकर आखिरी इंसान जो आएगा दुनिया में कयामत से तब पहले तक सबकी अरवाह मौजूद थी। और उनसे अहद लिया था अल्लाह ने, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। अब जो आदमी इस बात को नहीं मानता वो कैसे समझेगा किससे अहद लिया था। जदीद दौर के एक मुफस्सिर ने लिखा अपनी तफसीर में, ये अहद इंसान की तखलीक से कबल आलम गैब में लिया गया। अहद मींस प्रॉमिस। मैंने उनसे अर्ज किया कि हुजूर ये तो जुमला आपका मोहबल है, जो शो पैदा ही नहीं हुई उससे कैसे अहद ले लिया। अहद वाहिदा तो होता है exactly, जो मौजूद है, और फिर उसमें भी ये अल्फाज आते हैं, मैं बकायमी होशो हवास ये इकरार कर रहा हूं, फुल कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ आदमी एक अहद करता है, एक इकरार करता है, एक वाहिदा करता है। तब मैंने जब उनसे अर्ज किया तो उन्होंने माना कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है। ये अहद अजसाद इंसानिया की तखलीक से कबल अरवाह इंसानी से लिया गया। ये एक स्टेज थी जिसमें अरवाह पैदा की। उस आलम अरवाह में जबकि अभी मटेरियल वर्ल्ड शुरू नहीं हुई, अभी वक्त का कोई तसव्वुर नहीं, यही वजह है कि आलम अरवाह में जो कुछ होता है
उसमें वक्त नहीं लगता। कुन फयकून, कुन फयकून। आलम खल्क में आकर वक्त लगता है। आसमान और जमीन 6 दिनों में पैदा किए हैं, वो दिन हमारे 24 घंटे वाले दिन तो नहीं है। इंसान के एक नुतफे से लेकर एक बच्चे के मुकम्मल होने तक 9 महीने लगते हैं, टाइम लगता है। आलम अरवाह में मलाइका के लिए क्या ख्याल है आपका? जिब्राइल को अर्शे मुअल्ला से यहां आने में को वक्त लगता है? टाइम एलिमेंट है ही नहीं। अभी ये उस दौर की पैदावार है जबकि अभी टाइम पैदा हुआ ही नहीं। टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस जो है ये कॉन्सेप्ट है बिग बैंग के बाद का। हरकत भी है तो उसी के बाद जो वक्त का तस्वुर पैदा होगा, पासिंग टाइम। लिहाजा ये अरवाह इंसानियां पैदा की गई जबकि अभी मटीरियल यूनिवर्स की इब्तदा नहीं हुई थी और उनको एक कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया। अब उसके बाद वो लंबा सफर, ये जो तनज़ुलात और इर्तिका, ये असल में दो इस्तलाहात आती हैं। हमारे पुराने फलसफियों ने भी तो आखिर कोशिश की थी ना, साइंस तो अभी नहीं थी। साइंस का तो अभी तक जो है मालूमात का दायरा बहुत ही महदूद था। लेकिन ये है कि तनज़ुलात सित्ता, तनज़ुलात खमसा, अल अहद से अल वाहिद वगैरह, ये ज़हनी ख्यालात थे। या अक्ल अव्वल से फलक अव्वल और अक्ल सानी पैदा हुई, अक्ल और अक्ल सानी से फलक दोम और अक्ल सालिस पैदा हुई। तो नौ अफलाक और उकूल अशरा, ये हमारे पुराने फलसफे जो है वो तकल्लमीन, उनके यहाँ अल्फाज मिल जाएंगे जिनकी न कोई सनद कुरान में है ना हदीस में है, कोई सवाल ही नहीं, न साइंस उसकी कोई ताहिद करती है। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब उसके एतबार से आपको साइंस के दरमियान और इस पूरे तसव्वुर के दरमियान मालूम होगा कि हम आहंगी है, मुकम्मल हम आहंगी। जबकि अभी सिर्फ नूर और नूर भी, उसमें न हरारत न हरकत, अरवाह इंसानियां कम और मलाइका, फिर वो बिग बैंग। और वो जो अरसा गुजरा है जिसमें कि हरारत, शदीद तरीन हरारत, शदीद तरीन हरारत, उस दौर में जिन्नात पैदा किए गए। अब कुरान मजीद कहता है لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ, आग की लपट से। और एक जगह फरमाया हमने आदम से बहुत पहले जिन्नात को पैदा किया था। وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, ये अरब में बोल रहे हैं, समूम कहते हैं वो जो हवा बाद समूम जिसमें जलती हुई आग होती है, लू सख्त सेहरा की लू, उसका तसव्वुर कीजिए आप, उसकी आग से, उसकी हरारत से जिन्नात पैदा किए। यह जिन्नात जो है इस जमीन की पैदावार नहीं है, मिट्टी की पैदावार नहीं है, यह एक लतीफ तरश है हमसे। मिट्टी तो इनर्ट हो गई, आ गई, हम मिट्टी से बने, चाहे वो एवोल्यूशन के लंबे प्रोसेस के थ्रू बने हैं या ये कि डायरेक्ट क्रिएशन हुई है, लेकिन है तो दोनों मिट्टी से। कुरान भी कहता है मिट्टी से और साइंस भी कहती है मिट्टी से। हम निकले क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और कुरान भी कहता है वजालना मिल माए कुल्ल शैन हई, हर शय में हयात जो है उस हयात का मंबा और सरचश्मा पानी है। मादा तखलीक जो है हैवानात अर्जी का, जिनमें इंसान भी शामिल है, वो तो है मिट्टी, लेकिन मंबाए हयात पानी। जानना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, और यही साइंस कहती है कि समंदर के किनारे पर दलदली जगहों पर वहां क्या होता था कि अभी पानी पीछे हट गया है, फिर पानी आ गया है, फिर फट गया है, ये तआमुल चल रहा है। और इसके नतीजे में वहां जो केमिकल कंपाउंड्स थे, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, उसके बाद उसी के अंदर जो है जो हयात का जरसुमा पैदा हुआ, एक सेल एमीबा, ये उनका कहना है। मैं उस वक्त उसकी न तस्दीक कर रहा हूं न तरदीद कर रहा हूं,
जो बता रहा हूं आपको कि दोनों का एक ये जो है बात मुत्तफ़क अलैह है कि मिट्टी से और पानी से बने, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। अब ये सिलसिला जो चला है, अब वही कहानी जो है ये दोहराई जा रही है, वही एक सेल से रहमे मादर में बच्चा परवान चढ़ रहा है, जो हो सकता है 9 मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ हो। एक जरसूमे से लेकर इंसान तक का मामला वो रहमे मादर में 9 महीने में हो रहा है। सेम प्रोसेस, सिंगल सेल, और उसके ये मराहिल हैं। तो जिंदा तो है, नुतफा भी जिंदा, अलका भी जिंदा, मुज़गा भी जिंदा, मां की तरफ से आने वाला बैजा भी जिंदा। मर्द के नुतफे और मां के बैजे से इम्तदाज से वजूद में आने वाला जायगोट नुतफतिन अम्थान वो भी जिंदा। लेकिन जब 120 दिन हो जाते हैं तो अब युरसलुल मलक का बाद अब वो फरिश्ता भेजा जाता है वो रहम मादर में, वो रूह उसकी रूह मेरी रूह जो वहां थी वो लाकर मेरी वालिदा के रहम में, वो जो मेरा हयूला वजूद में आया था उसके अंदर फूकी गई है, तब मैं बना हूं, मेरा वजूद इंसान की शक्ल इख्तियार किया। ये है दर हकीकत कुरान मजीद का जो हकीकत इंसान। After watching this video, I will not lie, I have only one feel कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतने हजारों करोड़ों सालों के प्रोसेस के बाद ये दुनिया बनी है और हमको, हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमको इंसानी रूप मिला है, एक दिमाग मिला है, एक स्पिरिचुअल बॉडी मिली है। दिस बॉडी दैट वी हैव इज़ अ टेम्पल, ये एक मंदिर है, ये एक दरगाह है और हमें इसे उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बट नाउ डेज पीपल डोंट थिंक इट एज अ टेम्पल, उतना प्योर अपनी बॉडी को समझते नहीं है और कहीं पे भी पॉल्यूट कर देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। बॉडी की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने को, क्योंकि दिस इज द टूल दैट वी गॉट फॉर एनलाइटनमेंट, अपने निर्वाण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए ये शरीर मिला है हमको, भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, और एक दिन हमें वापस मिट्टी में ही मिलना है, वापस ये शरीर उसी मिट्टी में जाएगा, तो वाई शुड वी पॉल्यूट आवर बॉडीज। कॉस्मोस देखा था आप लोगों ने कभी डिस्कवरी चैनल पर, कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, फिर उसके अंदर से ये इतना सा अर्थ है, फिर उसमें से भी, मतलब अगर अपन ऊपर जाके अपने आप को एग्जामिन करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, तो हम एक स्पिट जो होता है ना धूप के डॉट के बराबर के हैं। तो यार अगर इतना कुछ है तो हम लोगों में इतनी ईगोज क्यों है, हम लोग इतने ज़्यादा हर चीज़ के लिए परेशान क्यों रहते हैं, इतना मेंटली सफ़र क्यों करते हैं। ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पिरिचुअल लगता है, बहुत लॉजिकल भी लगता है काफ़ी बार, बट आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस एंड वी विल हैव फीलिंग्स। ऑब्वियसली हमारे इमोशंस हैं, कभी हमारे इमोशंस बहुत हाई पे जाएंगे, हम बहुत उड़े हुए रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, कभी एकदम लो, डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी, बट एज अ ह्यूमन वी नीड टू फील ऑल दीज इमोशंस एंड इट्स ओके टू फील देम। इंसान होने के नाते कभी कभी कुछ गलत काम भी हो जाते हैं अपने से, पर वेन वी लिसन टू स्पिरिचुअल गुरुज लाइक डॉक्टर इसरार अहमद, तब अपन थोड़े लाइन पे आ जाते हैं, सब चीज़ें अपने दिमाग में चलने लग जाती है कि बाबू सुनो, इतनी मेहनत से ये पूरी दुनिया क्रिएट हुई है और हम उसे पॉल्यूट कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, राइट? मैं खुद क्यों बन गई हूँ एक स्पिरिचुअल गुरु राइट नाउ आफ्टर लिसनिंग हिम, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई फील एंड आई एक्सप्रेस इट टू यू। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा आपको ये रिएक्शन तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके प्लीज़ बताओ रिएक्शन कैसा लगा है। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे बनाना है मुझे सजेशन दो कॉमेंट्स में, कि दीदी बहन हमारी बाजी इस पे बनाओ और मैं बना दूंगी। द पार्ट ऑफ माई जॉब दैट आई लव द मोस्ट इज रीडिंग योर लवली कॉमेंट्स।
जब आप लिखते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, आपके वीडियोस देखना बहुत पसंद है, हम इराक से हैं, हम यूएसए से हैं और हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके इस्लामिक रिएक्शन वीडियोस, उस समय पे मुझे फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि वाओ, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड और ये पूरी की पूरी एक मेरी फैमिली बन रही है, किलाया रिएक्ट फैमिली, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज फॉर कमिंग इन माई लाइफ. You are a very important part of my life. Trust me, मेरी जिंदगी अधूरी है आप सब लोग के बिना. So thank you so much. Okay, तो अभी अपन चलते हैं, next reaction video में मिलेंगे. This is Kilaya React signing off. Bye bye.